यो भाई, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 टीजर के बारे में। एंड गाइस, टीजर के बारे में क्या बताऊं मैं, मेरे को तो अच्छा लगा टीजर। एंड गाइस, उसके अंदर जो है बहुत सारे डिटेल्स भर रखे हैं भाई। मतलब इतना ज्यादा डिटेल्ड बनाया ना इस टीजर को, मतलब क्रेजी है भाई। मतलब 1 मिनट का ही टीजर है, बट उसके अंदर इतना डिटेलिंग है ना, दैट्स गुड। एक्चुअली अच्छा लगा मेरे को। एंड गाइस, ये टीजर हम लोगों को देखने को मिला अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन। यानी कि गाइस, अल्लू अर्जुन का 42nd बर्थडे के दिन हम लोगों को ये बर्थडे गिफ्ट मिला। हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन सर, एंड थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, इट वाज वंडरफुल। एंड गाइस, इस टीजर के बारे में बात करें तो पूरा टीजर जो है वो फुली अल्लू अर्जुन के लुक के ऊपर ही फोकस था। आई गेस टीजर के जो स्टार्टिंग में दिखाया ना सॉन्ग, मतलब सभी लोग नाच रहे होते हैं, तो सॉन्ग का ही कोई सीन है लगता है मूवी से। तो या गाइस, कोई सॉन्ग का सीन है। एंड या उसके अंदर जो है हम लोग को अल्लू अर्जुन फेमिनिन लुक के साथ देखने को मिल सकते हैं, यानी कि औरत के लुक में देखने को मिल सकते हैं, जो की बोला जा रहा है की एक भगवान का लुक है, जो की गंगा माता ली बोलते हैं, जो की तिरुपति में है। एंड या भाई लोग, अल्लू अर्जुन इज लाइक क्रेजी, उस लुक में तो वो क्रेजी लग रहा है भाई। मतलब स्टार्टिंग में तो डांस दिखा गया, फिर बाद में जाके अल्लू अर्जुन का जो है वो फेस दिखाता है, एंड फेस के पास जो है वो अपना काजल कुछ तो लगा रहा है, एंड वो पिंकी देखोगे, मतलब वो छोटा फिंगर वहाँ पे आप लोग रेड कलर का नेल देख सकते हो, मतलब रेड कलर का पॉलिश कुछ तो लगाया, मतलब नेल पॉलिश कुछ तो लगाया, या फिर पूरा कुछ तो क्लॉट हो गया ब्लड से, आई डोंट नो गाइस क्या हुआ पता नहीं, बट रेड है उसका पिंकी फिंगर, ठीक है। एंड वो रेड कैसे हुआ आई डोंट नो, क्योंकि गाइस उसका जो ग्लिम्स निकला था ना कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने ही हो चुका है, सो या उस ग्लिम्स में भी वो रेड ही था, बट वो पार्ट वन में जो है वो रेड नहीं था। सो या गाइस, उसका जो है हम लोग को बैक स्टोरी देखने को मिल सकता है, मतलब जो रेड कैसे बना उसका फिंगर, उसका कोई बैक स्टोरी होगा, मतलब वो क्यों है ऐसा, कुछ ना कुछ तो स्टोरी देखने को मिल सकता है हम लोगों को। सो या गाइस, ये डिटेल मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद जो है हम लोगों को शंख का म्यूजिक सुनाया देता है। एंड या गाइस, यहाँ पे अल्लू अर्जुन ग्लो कर रहा होता है, यहाँ पे देख सकते हो उसका सीन। एंड फिर ये सारे चीजें होने के बाद फाइनली अल्लू अर्जुन की एंट्री विद फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज, ब्रो दैट वाज ब्रूटल मैन, आई कसम से बाइस साहब, आई लव्ड इट मैन। मतलब अल्लू अर्जुन ने क्या एक्टिंग किया ना उस फेमिनिन स्टाइल की तरह, मतलब यार आप लोग अगर मर्द हो एंड औरत की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा क्रिंजी लगता है। आप लोगों ने टिकटॉक या फिर इंस्टा रील वगैरह में देखा ही होगा जो कि लड़के लड़की उनकी तरह कपड़े वगैरह डाल के एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा क्रिंजी होता है, एंड मेरा सर फूट जाता है उसको देखने के बाद। बट कुछ एक्टर्स है जो कि फीमेल रोल्स में क्रेजी एक्टिंग किया है, जैसे कि कांचना में राघव लॉरेंस देख सकते हो, या फिर सुपर डिलक्स मूवी के अंदर विजय सेतुपति को देख सकते हो, एंड इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन को देख सकते हो, जो कि क्रेजी लगते हैं भाई। मतलब वो स्टाइल एंड वो जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, उसको कम्प्लीटली अब्सॉर्व कर लेते हैं भाई, क्रेजी भाई। उसको देखने के बाद ना भाई क्रेजी, मतलब जो पल्लू आता है ना पीछे, उसको पैर से उठाना एंड हाथ ऐसे करके रखना, एंड दैट वाज क्रेजी भाई। ये किसका आइडिया था आई डोंट नो, मतलब डायरेक्टर का आइडिया था या फिर एक्टर का आइडिया था, बट इट वाज क्रेजी ब्रो, आई लव्ड इट मैन। भाई डायरेक्टर की क्रिएटिविटी के लिए तो भाई 100 मार्क्स है भाई, क्रिएटिविटी कसम से क्रेजी बनाया भाई इस सीन को। एंड उसके बाद फाइट वाइट चलता है, जो कि मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फाइट तो हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है, देवर के ग्लिम्स में भी था फाइट वगैरह, तो या इट्स प्रीटी कॉमन, बहुत छोटा टीजर था, बट इट वाज गुड। अल्लू अर्जुन के एक्टिंग स्किल्स को दिखाया, जो कि अच्छी बात है, मेरे को तो अच्छा लगा। एंड ये बताया गया कि अगस्त 15 के दिन ही इसको रिलीज किया जाएगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाय बाय, फिर मिलते हैं और क्या।